ए कैन डू एज मच एज वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 hours 12 minutes एंड सी कैन डू इट इन 36 hours फाइंड द टाइम दैट बी नीड टू डू द वर्क एलोन। देखिए सबसे पहले ए प्लस बी का टाइम दिया है कितना 7 hours 12 minutes। सबसे पहले तो ये मैं 7 hours 12 minutes को 12 minutes को आवर में कन्वर्ट करूँगा। 6 2 12 6 6 0 2 1 2 2 5 10 सो 5 7 35 35 + 1 36 36 by 5 लिख सकता हूँ इसको मैं। और मेरा क्या का दिया है सी कैन डू सी का दिया है सी अकेला का 36 तो ये 36 36 का एलसीएम लेंगे 36 मेरा एलसीएम आ जाएगा। एफिशिएंसी देखेंगे 36 कितना बार 36 वन जे और ये इनटू 5 भी करना है तो यहाँ पे 5 एफिशिएंसी आ गया दोनों का एफिशिएंसी 36 वन जे यहाँ पे 1 इसका एफिशिएंसी आ गया सी का। ओके अब पहला लाइन को समझते हैं ए कैन डू एज मच एज वर्क एज बी एंड सी। सबसे पहले तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा 5 और 1 6 ओके। अब बोल रहा है ए कैन डू एज मच एज वर्क एज बी एंड सी ए अकेला इतना काम करता है जितना बी और सी करता है यानी कि ये जो 6 है ये हाफ हाफ में डिवाइड होगा तो ये 3 इक्वल टू 6 ओके। अब यहाँ से क्या मुझे चाहिए बी का बी कितना में करता है वो चाहिए तो सबसे पहले सी का देखिए 1 है तो बी और सी में सी अगर 1 है तो रिमेनिंग दोनों 3 है एक 1 है तो बी कितना होगा ऑब्वियसली 2 होगा। टोटल वर्क कितना है मेरा 36 मैं ढूंढ रहा हूँ बी का एफिशिएंसी कितना है 2 तो कैंसिल करेंगे 1 18 आवर्स जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ओके थैंक यू।